जयपुर के चित्रकूट स्पोर्ट्स ग्राउंड में अमेचर रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें राजधानी के 500 स्कूली बच्चों ने भाग लिया। आयोजक शहबाज सिद्दीकी के मुताबिक इस प्रतियोगिता में कई वर्गों के बीच मुकाबला हुआ, जिसके बाद विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। वहीं कार्यक्रम में जयपुर अमेचर रोलर स्केटिंग की चेयरमैन शैलेश राणा भी मौजूद रहीं। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से लगभग 100 बच्चों का नेशनल लेवल के लिए चयन किया जाएगा। आज स्केट इंडिया क्लब की ओर से फर्स्ट इंटर स्कूल रोलर स्केटिंग ट्रॉफी का हमने आयोजन करवाया है, जिसमें पूरे राजस्थान से 200 से अधिक बच्चे और 40 से अधिक स्कूलों ने भाग लिया है। आज हम इस तरीके की प्रतियोगिता आयोजित करवाते रहते हैं, जिससे बच्चों को एक प्रोत्साहन मिलता रहता है। और इस प्रतियोगिता में 4 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों ने भाग लिया है, जिसमें इनलाइन एंड क्वार्ट्स कैटेगरी की यहाँ चैंपियनशिप हो रही है। जो टीम इसमें सबसे ज़्यादा विनर रहेगी, मतलब मेडल जीतेगी, उसको हम जो है ट्रॉफी देंगे, और जो बच्चे यहाँ आए उनको यहाँ मेडल और सर्टिफिकेट देके आज हमारे स्केट इंडिया क्लब की चेयरपर्सन श्रीमती शैलेश सिंह राणा यहाँ मुख्य अतिथि आई हैं। इन्होंने भी बच्चों का हौसला अफजाई किया है, तो इस तरीके का हम कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। फर्स्ट प्री स्कूल का हम टूर्नामेंट कराते हैं, और आजकल का जो पहले था, आजकल बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, पेरेंट्स में भी अवेयरनेस आती जा रही है और इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है। ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसने काफ़ी मेहनत की और 0 से स्टार्ट करके आज यहाँ तक पहुँच गया है।